गोपीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण आपके मेरे सभी के लिए। आप में से कई लोग मुझे बोलते हैं कि गुरु जी को ऐसा यंत्र बना दो, ऐसा कोई ताबीज़ बना दो जिससे कि भैरव बाबा स्वयं मेरी रक्षा करें। मैं आपको कुछ भी बना के दे दूं तो वो एक सुरक्षा घेरा हो सकता है, लेकिन अगर स्वयं आप ईष्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उनकी साधना करनी होगी। आज वैसा ही एक साधना मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, गुप्त साधना। इस साधना में आप महाकाल को काल भैरव के रूप में पूजेंगे या काल भैरव को महाकाल के रूप में पूजेंगे। उनका एक मंत्र है जो भय हरण मंत्र कहलाता है। इस भय हरण यंत्र और मंत्र से आपको महाकाल भैरव स्वयं किसी भी तरीके का जो भय होता है उससे मुक्ति दिलाते हैं। क्या सामग्री चाहिए होगी आपको इस साधना में? सबसे पहले एक शिवलिंग चाहिए होगा जो आपके घर में हो। आप घर में पारस शिवलिंग रखते हों, स्फटिक शिवलिंग रखते हों तो और उत्तम। कोई शिवलिंग नहीं है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप रुद्राक्ष का शिवलिंग आपने बना रखा है तो वो शिवलिंग भी चलेगा, ठीक है। तीनों में से किसी भी शिवलिंग को हम यंत्र के रूप में स्थापित करेंगे, और ये जो शिवलिंग है यही हमारा यंत्र भी होगा और यही हमारे काल भैरव भी होंगे जिस पर कि हम पूरी साधना करेंगे। और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगा? हमें आवश्यकता होगी कुमकुम की, अक्षत मतलब कि जो चावल होता है उसका, सिंदूर का, लाल पुष्प का, ठीक है। धूप, जैसे काल भैरव को हम लोग धूप देते हैं गूगल का, इसमें हम लोग लोबान का धूप देंगे, और चमेली के तेल के बदले हम लोग तिल का तेल देंगे। ऐसे तो तिल का तेल जलता ही है भैरव बाबा के मंदिर में। तो शुरुआत क्या करेंगे? शुरुआत ये करेंगे कि सबसे पहले हम लोग शिवलिंग का पंचोपकार से पूजा करेंगे। मतलब क्या? मतलब धूप, दीप, नवेद, ठीक है, और उसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। पहले महादेव के रूप में उनका पूजा करेंगे। महादेव के रूप में पूजा करने के बाद ओम हौं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे, ठीक है। फिर एक पुष्प लेंगे, उस शिवलिंग पे चढ़ाएंगे और उसके बाद बोलेंगे ओम काल भैरवाय इति आगच्छ अतिष्ठ च। मतलब काल भैरव महाराज को हमने निवेदन किया कि आप यहाँ आ जाओ। उसके बाद कुमकुम देंगे, ओम काल भैरवाय नमः कुमकुमम समर्पयामि, ओम काल भैरवाय नमः अक्षतम समर्पयामि, ओम काल भैरवाय नमः सिंदूरम समर्पयामि, ओम काल भैरवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसमें आप लाल पुष्प ही देंगे, ठीक है। उसके बाद जो तिल के तेल का दीपक आपने रखा है वो तिल के तेल का दीपक आप भैरव जी को दिखाएंगे और बोलेंगे ओम काल भैरवाय नमः दीपम दृश्यामि, ठीक है। उसके बाद बाबा के चारों तरफ जो शिवलिंग है उसके चारों तरफ ऊपर की तरफ से लोबान का जो धूप है उसको घुमा लेंगे, ठीक है। इसमें जो जाप माला आप प्रयोग करेंगे वो होगा रुद्राक्ष का, ठीक है। दिशा दक्षिण अगर आप रात्रि में कर रहे हैं, अगर सुबह कर रहे हैं तो फिर पूरब का दिशा होगा। वस्त्र आपका लाल या काला में कोई भी हो सकता है। आसन आपका कमल का या कूस का हो सकता है। अब मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। 11 माला जाप इसका करेंगे। ओम ह्रीम भैरव भयंकर हर माम रक्ष रक्ष हुम फट स्वाहा। तो एक तो ये हो गया कि आप इनका रोज जाप करेंगे इस विधान से, ठीक है। आप इनका जाप करके तुरंत फिर से शिवलिंग पर जल देकर विसर्जन करेंगे, ठीक है, जिनको सिद्ध करना है, ठीक। तो अमावस्या की रात्रि में विधान यही रहेगा, लेकिन अंत में आप दशांश हवन करेंगे, ठीक है। दशांश हवन सिर्फ लौंग से होगा इस मंत्र का। तो पूरा आपने जो
व्यवहार है कर लिया, पूरा जाप आपने कर लिया, उसके बाद इसका एक दशांश हवन कर लेंगे, प्रतिदिन इसका 108 जाप करेंगे। इसके जाप करने से आपको जो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण का जो डर सताया रहता है, जो भूत प्रेत परतंत्र का जो डर सता के रखता है, वो सारे तरीकों का डर जो है वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरा नंबर 9431188585 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं एक ग्रुप पर। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर कॉल कीजिए, उसमें आपको rudranath@cm4 मेरा प्रोफाइल मिलेगा, उसमें आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya.xyz इस पर आप जा सकते हैं, या फिर www.aghortantrahasya.com, ये भी नया वेबसाइट है, ये भी कुछ दिनों में चालू होगा। महाकाल भैरव आप सभी की रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।